जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल कमांड अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली आर्मी एग्जाम को लेकर है कि आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट कब तक आएगा, इसका फिजिकल कब से शुरू होंगे, कितने नंबर पर कट ऑफ रह सकती है। अभी तक के पेपरों को देखिए, आप में से कई बच्चों के पेपर हो गए होंगे, कई बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। जिन बच्चों के पेपर अच्छे हो गए उन सबको मेरी तरफ से ये पक्की एडवाइस है कि आप जल्दी से जल्दी अपने ग्राउंड पकड़ लीजिए और ग्राउंड की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार का कंपटीशन पिछली बार का कंपटीशन पे ज्यादा होने वाला ग्राउंड में, क्योंकि पिछली बार कई बच्चे फॉर्म में अप्लाई नहीं किए थे, मन में थोड़ी सी इसके आर्मी अग्निवीर को लेकर कई प्रकार की क्यूरियोसिटी थी, वो कुछ नहीं है। इस बार सारे बच्चे बहुत बढ़िया से तैयारी किए और इस बार की कट ऑफ भी मुझे लगता है पिछली बार की कट ऑफ से थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बार जो आपका फिजिकल का ये पहला पेपर का रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल कब से शुरू होंगे, आप सबने पेपर दे दिए होंगे जिनके अच्छे नंबर है। अच्छे नंबर अब किसको, एक चीज मैं बता देता हूँ, आर्मी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप सबको पता ही है, मेरे बताने की जरूरत नहीं, फिजिकल का होता है। तो इसका मतलब जो कट ऑफ है ना वो फिजिकल के हिसाब से जाएगी, यानी लगभग 20 गुना से ज्यादा बच्चे लिए जाते हैं, जितनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी रहती है उसके 20 गुना से ज्यादा बच्चे आर्मी में पेपर पास करते हैं, बाकी जितने भी सेक्टर है उसमें 8 गुना या 9 गुना या 10 गुना करते हैं, लेकिन आर्मी में 20 गुना बच्चे पेपर के लिए पास करते हैं। किसके लिए, फिजिकल के लिए जो पेपर, इसीलिए पेपर की कट ऑफ काफी लो रहती है, समझ गए बात को। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक नंबर किया, आगे मैं कट ऑफ पे भी बात करने वाला हूं, पेपर का लेवल आप सबने देख लिया क्योंकि आप सब देख के आए हैं, मैंने भी देखा है, काफी आसान पेपर है, पिछली बार जैसा ही सेम बोल सकते हैं वैसा ही पेपर है, कुछ लेवल बढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार आर्मी का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखो लाड लो, अगर हम पिछली बार को आधार मानिए, पिछली बार आर्मी के जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 16/2 से, ठीक है, पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे आर्मी के वो फॉर्म भरे गए थे 16/2 से, इस बार फॉर्म भरे गए लाड लो 13/2 से, यानी लगभग 3 दिन का डिफरेंस है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 17/4 को, यानी लगभग इससे 2 महीने बाद, इस बार जो एग्जाम हुआ है वो 22/4 से, यानी लगभग 2 महीने, यानी वो ही चल रहा है रूटीन, देखो समझ गए बात। पिछली बार भी 2 महीने यानी 60 दिन बाद में एग्जाम था, वो इस बार भी लगभग 60 के आसपास दिन बाद में एग्जाम था, मतलब 65 कर सकते हो, 5-7 दिन ऊपर कर सकते हो, ठीक है, यानी पिछली बार की तरह से चल रहा है। एग्जाम जो आपका खत्म होगा 2/5 तक आपका आर्मी के इस बार एग्जाम खत्म हो जाएंगे, पिछली बार भी 10-12 दिन पेपर चले थे। पिछली बार जो रिजल्ट आया था वो 20/5 को आ गया था, कहने का मतलब फिक्स 30 से 33 दिन बाद में रिजल्ट आ गया था। तो इस बार जो आपका एग्जाम खत्म 22 तारीख से फॉर्म भरे गए हैं, 2 को एग्जाम खत्म हो जाएगा, अगर इससे हम 30 दिन पकड़े तो 22 मई तक, अगर हम उसमें 2-3 दिन प्लस भी कर दें तो ये पक्का है कि 25 मई तक, ध्यान रखना आर्मी का इस बार जो रिजल्ट है वो आपका 25 मई तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, 25 मई 2024 तक, ये पक्का कंफर्म है, ध्यान रखना, इससे पहले पहले हो सकता है, इसके बाद में नहीं जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, अगले 1 महीने में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा अगर हम पिछली बार को आधार मान के चले। साथ ही पिछली बार जो फिजिकल 13/6 से, यानी जून में फिजिकल शुरू हो गए थे पिछली बार 13 तारीख से, 13/6 से, तो इस बार भी ध्यान रखना कई एआरओ के जो फिजिकल है वो जून जुलाई में शुरू हो जाएंगे, जून और जुलाई में होंगे, ध्यान रखना, उसका भी लेटर जारी हो जाएगा जब आपका रिजल्ट जारी होगा ना उसके तुरंत बाद, इसीलिए ध्यान रखना, हो सकता है इसमें कौन से बच्चे आए किसी का कोई पता नहीं है, इसलिए अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अब मैं आपका आपके कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए अभी से, क्योंकि क्या पता आपका जून जुलाई वाले महीने में आ जाए, आपको पता आर्मी ग्राउंड पास करने के लिए कम से कम आपकी 5-6 महीने की बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। पिछली बार भी हमारी अकेडमी से लगभग 65 से ज्यादा बच्चे आर्मी ग्राउंड क्वालिफाई हुए थे, जो पेपर भी हमारी एकेडमी से ही किए थे, ठीक है, और इस बार भी जब रिजल्ट आएगा तब आपको बताएंगे, और उनको कई बच्चों को मौका नहीं मिला था, जो फेल भी हुए थे 10-12 बच्चे, उनका मेन रीजन ये था उनको 1.5-1.5 महीने का समय नहीं मिला था और उनकी तैयारी इतनी ज्यादा थी नहीं, तो आप वो गलती मत कर देना, ठीक है। अब बात करने की कट ऑफ से कितनी जा सकती है, तो मैं आपको एक अनुमान दे सकता हूं कि 50 में से 30 क्वेश्चन अगर आपके सही बैठ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको तो 100% कितना परसेंट, 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप ना केवल कट ऑफ फाइट करोगे, आप मेरिट में भी हिस्सेदार हो सकते हो। अगर आप पूरा का पूरा 100 नंबर का फिजिकल मार देते हो तो आपके मान के चलो कि 30 क्वेश्चन बराबर राइट हो जाते हैं तो 60 नंबर ये आ जाते हैं, तो 160 के आसपास अगर आप पहुंच जाते हो तो ये मान के चलो आप तो फाइनल मेरिट के भी दावेदार हो। और मुझे नहीं लगता जो बच्चा तैयारी कर रहा है काफी समय से उसके 30 से प्लस क्वेश्चन गलत हुए होंगे, मतलब 30 तो सही हुए हुए हैं उसके, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपने भी अगर 30 क्वेश्चन भी आपके सही है कट पिटा कर भी, भले आपने कट गए पट गए सब करके,
तो भी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जबकि मैं तो ये बोलता हूं कई एआरओ से, यानी कई एआरओ से, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके 25 क्वेश्चन भी सही है ना 50 में से, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। स्पेशली लड़कियों की अगर 25 क्वेश्चन भी सही है तो आपको भी तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए फिजिकल की में। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके 25 क्वेश्चन भी सही है तो, समझे बात को, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो रिजल्ट भी आ जाएगा, कट ऑफ भी पिछली बार से ज्यादा नहीं जाने वाली। ये नंबर से अगर आपके है ऊपर क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको फिजिकली तैयारी में लग जाना चाहिए। लाडलो, जय हिंद जय भारत।